फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज का ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम एक यूनिक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का डिटेल रिव्यू करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है, इसमें किसी भी तरह का कोई एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। इस वीडियो में मैं जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करूंगा वो रिव्यू आपको हेल्प करेगा आपका खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाने में और उसका रिव्यू करने में। हमें अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने से पहले ये चार चीजें क्लियर कर लेनी चाहिए। फर्स्ट है आपका गोल, सेकंड है आपका रिस्क प्रोफाइल, थर्ड है आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन और फोर्थ है आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन। सो नाउ मैं जिस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू करने जा रहा हूँ वो पोर्टफोलियो हमारे यूट्यूब चैनल के एक चैनल मेंबर का है। यहाँ पर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट। मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल का मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। अगर किसी इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव है तभी वो इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है। मॉडरेट रिस्क के इन्वेस्टर अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे शॉर्ट टर्म में 10-20% का लॉस बेयर कर सकते हैं, जबकि एग्रेसिव इन्वेस्टर अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे शॉर्ट टर्म में अबाउट 20-30% का लॉस बेयर कर सकते हैं। इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 ईयर्स, जो कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन है। आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन काफ़ी ज़्यादा हो, लाइक 10, 20 या 30 ईयर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन होगा उतना ही ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेगा। यहाँ पर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होराइजन है 8 ईयर्स, तो मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि इन्वेस्टर का कोई गोल आने वाला है 8 ईयर्स में, दैट्स वाई इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 8 ईयर्स है। इन्वेस्टर ने टोटल 6 इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। फर्स्ट स्कीम है HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, इसमें अपने टोटल एलोकेशन का 30% इन्होंने इन्वेस्ट किया है। सेकंड स्कीम है ICICI प्रूफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, इसमें इन्होंने अपने टोटल एसेट का 30% इन्वेस्ट किया है। थर्ड स्कीम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, इसमें इन्होंने अपने टोटल एसेट का 10% इन्वेस्ट किया है। फोर्थ स्कीम है एक्सेस मिड कैप फंड, इसमें इन्होंने अपने टोटल एसेट का 10% इन्वेस्ट किया है। फिफ्थ स्कीम है कोटक स्मॉल कैप फंड, इसमें इन्होंने अपने टोटल एसेट का 10% इन्वेस्ट किया है। और सिक्स्थ एंड लास्ट स्कीम है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, इसमें इन्होंने अपने टोटल एसेट का 10% इन्वेस्ट किया है। HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड एक इक्वल वेट इंडेक्स फंड है और ये फंड निफ्टी 50 के ऑल 50 स्टॉक्स में इक्वल वेटेज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। ICICI प्रूफ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी एक इंडेक्स फंड है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। थर्ड स्कीम है SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फोर्थ स्कीम है एक्सेस मिड कैप फंड, ये फंड मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड कैप के स्टॉक्स में करता है। फिफ्थ स्टॉक है कोटक स्मॉल कैप फंड, ये फंड अपना इन्वेस्टमेंट मोस्टली मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करता है। सिक्स्थ फंड है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड, ये फंड एक थीमेटिक फंड है जो कि मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर फेसिंग कंपनीज में करता है। सो यहाँ पे फर्स्ट 5 स्कीम्स का तो मोस्टली हमें आइडिया है कि ये स्कीम्स मार्केट कैप वाइज अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, बट सिक्स्थ फंड दैट इज टाटा कंज्यूमर फंड का हमें ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये फंड लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप के स्टॉक्स में किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले हम टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करते हैं। ये फंड लार्ज कैप स्टॉक्स में अपने टोटल एसेट का अबाउट 54%, मिड कैप स्टॉक्स में अबाउट 33% एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अबाउट 9% इन्वेस्ट करता है। तो इस स्कीम का मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में काफी बड़ा एक्सपोजर है एट अबाउट 42%। नाउ हम टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करते हैं। इस फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं ITC, टाइटन, एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। इस फंड के टॉप होल्डिंग्स में जो भी स्टॉक्स हैं, इस तरह के स्टॉक्स आपको
किसी भी डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में मिल जाएंगे। और अगर आप टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड का पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया। ना हम इस पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियो ओवरलैप देखते हैं, दैट इज इस पोर्टफोलियो ने सबसे ज़्यादा एलोकेशन किन स्टॉक्स में लिया है। इस पोर्टफोलियो के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, अपोलो हॉस्पिटल्स, टाइटन, डाबर, अदानी ग्रीन एनर्जी, वेदांता, एचडीएफसी बैंक एंड एशियन पेंट्स। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लिया गया है। नाउ हम इस पोर्टफोलियो के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। इस पोर्टफोलियो ने लास्ट वन ईयर में रिटर्न ऑलमोस्ट 25% का दिया है, लास्ट थ्री ईयर्स में अबाउट 19% का रिटर्न जनरेट किया है एंड लास्ट फाइव ईयर्स में अबाउट 15% का रिटर्न जनरेट किया है। सो पास्ट परफॉर्मेंस वाइज इस पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अभी तक हमने जो पोर्टफोलियो के डिटेल्स चेक किए हैं उसे देखकर यही लगता है कि ये पोर्टफोलियो एक अच्छा पोर्टफोलियो है। सो नाउ जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताता हूँ कि कोई स्कीम या कोई पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्कीम या पोर्टफोलियो आपके लिए सुटेबल है। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो तो काफ़ी अच्छा है, बट जिस इन्वेस्टर का ये पोर्टफोलियो है उस इन्वेस्टर के लिए ये पोर्टफोलियो सुटेबल नहीं है। सो नाउ हम जानते हैं कि ये पोर्टफोलियो इस इन्वेस्टर के लिए सुटेबल क्यों नहीं है। अगर आप लास्ट फोर फंड्स का मिड कैप का एलोकेशन देखें तो इन लास्ट फोर फंड्स दैट इज SBI फोकस्ड इक्विटी फंड, एक्सेस मिड कैप फंड, कोटक स्मॉल कैप फंड एंड टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड में मिड कैप का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही कोटक स्मॉल कैप फंड में स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। सो ऑल दो इन्वेस्टर ने अपने टोटल एसेट का 60% फर्स्ट टू स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है जो कि प्योरली लार्ज कैप स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन टोटल पोर्टफोलियो का जो 40% हिस्सा है उस 40% में मिड कैप का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल है मॉडरेट और मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो आइडियली जो मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर्स हैं उनको मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप स्टॉक्स में ही करना चाहिए और उसके बाद थोड़ा एक्सपोजर वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में ले सकते हैं क्योंकि वहाँ से उन्हें थोड़ा मिड कैप और थोड़ा स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल जाता है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर का रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव होता तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो होता, लेकिन यहाँ पे रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है इन्वेस्टर का, दैट्स वाई ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेट है तो आपको थीमेटिक या सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि थीमेटिक एंड सेक्टर फंड्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। और अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में थोड़ा एक्सपोजर लेना है तो आप वो एक्सपोजर एक ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के थ्रू ले सकते हैं जो अपना इन्वेस्टमेंट मिड कैप एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी करता है। सो इस पोर्टफोलियो में रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन वाइज फर्स्ट थ्री स्कीम्स अच्छे स्कीम्स हैं, दैट इज HDFC निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड SBI फोकस्ड इक्विटी फंड। टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड एक थीमेटिक फंड है एंड काफ़ी ज़्यादा रिस्की फंड है और ये फंड एक मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर के लिए सुटेबल नहीं है और आइडियली एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर को मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर मिड कैप स्टॉक्स में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर चाहता है तो वो एक्सिस मिड कैप फंड को कंटिन्यू कर सकता है और अगर इन्वेस्टर मिड कैप स्टॉक्स के साथ स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा एक्सपोजर चाहता है तो यहाँ पे कोटक स्मॉल कैप फंड को कंटिन्यू किया जा सकता है। सो नाउ टू कंक्लूड, आउट ऑफ दी सिक्स स्कीम्स टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड को अवॉइड किया जा सकता है, फर्स्ट थ्री स्कीम्स को कंटिन्यू किया जा सकता है और आइडियली मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड को अवॉइड किया जा सकता है और अगर मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा एक्सपोजर चाहिए इन दैट केस आउट ऑफ एक्सेस मिड कैप फंड या फिर कोटक स्मॉल कैप फंड वन फंड को कंटिन्यू किया जा सकता है।
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. वंस मोर आई एम रिपीटिंग, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है. इसमें किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है. अगर इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में कोई भी चेंज करना चाहता है तो इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए. अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का रिव्यू कराना चाहते हैं और आप फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के चैनल मेंबर हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमें contact@fronesisinvestor.com पे भेज सकते हैं. आपके जो भी मेल्स आएंगे उन मेल्स पे रिप्लाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा और हमें जो भी पोर्टफोलियोज मिलेंगे उसमें से हम कुछ पोर्टफोलियोज का ही रिव्यू कर पाएंगे. सारे पोर्टफोलियोज का रिव्यू पॉसिबल नहीं होगा. और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप हमारा एवरी सैटरडे 7:30 PM का YouTube लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग.